नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हरियाणा सरकार के चेयरमैन अनुराग बख्शी IRS RTT व विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, कंट्री हेड एशिया शिपिंग कंपनी के डॉक्टर पुषेंद्र प्रताप सिंह, फेडरेशन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सुरेंद्र सैनी, मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से एडवोकेट नवीन गुप्ता, PhD CCI के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नवीन सेठ, टू लॉ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइवेट सेक्रेटरी राजीव बतिया आदि लोग सम्मिलित रहे। नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल के अध्यक्ष गुंजन मेहता ने कार्यक्रम में उपस्थित महानुभाव का स्वागत किया व फिर सभी मंचासीन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आयोजन में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन मूल्यों व आदर्शों पर इस युवा देश में युवाओं की भूमिका को लेकर भी चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण चर्चा में देश के भिन्न भिन्न राज्यों में राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से काम कर रहे युवाओं ने भाग लिया है, जिनमें मुख्य रूप से उड़ीसा से किन्नर समाज की महामंडलेश्वर मीरा पारिदा ने अपने संबोधन से आयोजन में उपस्थित सभी युवाओं को आज अपनी युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित करने पर जोर दिया। इस आयोजन में अयोध्या नगरी में श्री राम लीला नाट्य के मंचन पर प्रभु श्री राम के पात्र को दर्शाते युवा कलाकार राहुल भुजर ने भी अपने संबोधन में श्री राम को याद करते हुए समूचे विश्व में हो रही चर्चा अयोध्या में श्री राम मंदिर पर अपने भाव प्रकट कर पूरे आयोजन को राममय बना दिया। आयोजन में श्री राम का जयघोष गूंज था। वहीं इस मंच के माध्यम से देश के लगभग 31 युवाओं को यूथ आइकॉन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आयोजन के अंत में गुंजन मेहता ने सभी को सच्ची कर्तव्य निष्ठा से एकता और समानता के साथ बिना किसी भेदभाव और निस्वार्थ भाव से राष्ट्र निर्माण में अपना 100% योगदान देने का संकल्प दिलाया व राष्ट्रगान से आयोजन का समापन किया गया। नेशनल युवा दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हमारे युवा प्रतिभाओं को जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया, सेवा के क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में, उनको बधाई देना चाहते हैं और इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होते रहना चाहिए। आज युवा शक्ति ही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। युवा शक्ति को जो उनमें शक्ति है, क्षमता है, उसको पहचानने की ज़रूरत है और अगर युवाओं की ताकत सही दिशा में लग जाए तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। आज दुर्भाग्य से हमारी जो युवा शक्ति है ज़्यादातर निर्माण की दिशा में लग करके विनाशकारी दिशा में उसका दिमाग जा रहा है, जिससे देश के प्रगति और विकास संभव नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि जो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के बुद्धिजीवी हैं, चाहे जिस क्षेत्र में भी काम करते हों, सबको मिलकर के प्रयास करने की ज़रूरत है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनाते हैं, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना आज जन जन तक पहुँचा दी है, तो हमें लगता है उसमें कहीं ना कहीं हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। हम उन्हें किसी पार्टी से संबोधित करने की बजाय अगर इस दृष्टि से देखें कि इस समय वो पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी हर नीति, जो उन्होंने काम किए हैं, जो आज का इवेंट है वो कमेंडेबल है, क्योंकि जो भी अवार्ड दिए हैं, पहली बात तो उन्होंने अवार्ड नहीं दिया, सम्मानित किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक जो है इच्छा है कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए और इसी इन बिस न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।